सन 1638 की एक रात महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली और उनका सहायक लालटेन लेकर दो अलग अलग पहाड़ों की तरफ बढ़ते हैं। दोनों ने एक एक लालटेन पकड़ी हुई थी जिसमें शटर लगे हुए थे। गैलीलियो ने अपने सहायक को निर्देश दिया कि जैसे ही उन्हें उनकी लालटेन के प्रकाश दिखाई दे वो तुरंत अपनी लालटेन के शटर को खोल दे। उनके सहायक ने ऐसा ही किया जिसे देखकर गैलीलियो हैरान हो गए। फिर अगले दिन इस बार दूर स्थित दो अलग अलग पहाड़ियों की चोटी पर चढ़ गए। वही प्रक्रिया दोहराई गई लेकिन इस बार भी गैलीलियो को निराशा हाथ लगी। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि प्रकाश की गति 3x10⁸ मीटर पर सेकंड के अपने इस वर्तमान अनुमान तक पहुंचने में कितना समय लगा और यहां तक कैसे पहुंची? और क्या कभी आप कल्पना भी कर सकते हैं कि आप प्रकाश की गति को कैसे मापेंगे? आपको बता दें, पूरे इतिहास में कई महान दिमागों ने इसी प्रश्न से निपटने का प्रयास किया। अगर बात करें कुछ प्रारंभिक चर्चाओं की तो अरस्तु की ओर से सबसे पहले गति के बारे में खोजबीन की गई, लेकिन उनसे भी पहले प्रसिद्ध एम्पेडोकल्स ने सुझाव दिया था कि सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आने में कुछ समय लगता है। लेकिन अरस्तु इस धारणा से असहमत थे। अरस्तु का मानना था कि प्रकाश तुरंत यात्रा करता है। उनका मानना था कि प्रकाश किसी चीज की उपस्थिति के कारण है और ये कोई गति नहीं है। हालांकि यूक्लिड और टॉलमी जैसे महान फिलोसोफर वैज्ञानिकों ने एम्पेडोकल्स के विचारों पर सहमति जताई और उनसे सहमत होकर अनुमान लगाया कि प्रकाश आंख से उत्सर्जित होता है जिससे मानव दृष्टि संभव है। फिर बाद में एक और महान वैज्ञानिक अलेक्जेंड्रिया के हेरोन ने तर्क दिया कि प्रकाश की गति संभवतः अनंत है, क्योंकि जब आप अपनी आंखें खोलते हैं तो दूर की वस्तुएं चांद तारे आदि तुरंत दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त हेरोन ने ही सबसे पहले इस विषय पर परीक्षण करके प्रकाश के सबसे छोटे पथ का सिद्धांत तैयार किया। इसमें कहा गया, यदि प्रकाश को बिंदु ए से बी तक यात्रा करनी है तो हमेशा सबसे छोटा मार्ग अपनाएगा। दोस्तों, हेरोन ऑफ अलेक्जेंड्रिया दुनिया के सबसे पहले वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भाप की ताकत को समझा और तकरीबन पहली ही सदी में भाप इंजन बनाया, जो कि एक स्टीम टर्बाइन था जो कंटेनर में रखे पानी के गर्म होने पर चलती थी। इनके इस आविष्कार को आज भले एक मामूली आविष्कार समझा जाए, लेकिन उस वक्त उनके इस आविष्कार ने उन्हें दूर चारों दिशाओं तक परिशुद्ध कर दिया था। इस सब थ्योरी के बाद कई सदियों तक किसी ने क्षेत्र में काम नहीं किया, लेकिन फिर प्रकाश की गति को मापने का पहला गंभीर प्रयास डच वैज्ञानिक आइजैक बीकमैन द्वारा किया गया, जिन्होंने साल 1629 में बारूद का उपयोग करके प्रकाश की गति को मापा। उन्होंने विस्फोटों से निश्चित दूरी पर दर्पण लगाए और साथ ही कुछ लोगों को इस फिनोमेना को ऑब्जर्व करने के लिए लोगों को तैनात कर दिया। फिर विस्फोट करने के बाद उन्होंने ऑब्जर्वर्स से पूछा, जब विस्फोट की चमक उनकी प्रकाश से प्रत्येक दर्पण से रिफ्लेक्ट होती है तो क्या उनको कोई अंतर दिखता है? मेरे ख्याल से दोस्तों, परिणाम कुछ हद तक आप सबको मालूम होंगे कि वो इसमें पूरी तरह से नाकाम हो गए। फिर अपने दौर के एक महान वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली सालों बाद इस विषय की गुत्थी को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं। उन्होंने प्रकाश की गति को नापने का सबसे पहला प्रयास किया। गैलीलियो और उनका एक सहायक अंधेरी रात में कुछ मील की दूरी पर खड़े अलग अलग पहाड़ों की चोटी पर कपाट लगी लालटेन लेकर चढ़ गए। उन्होंने अपने सहायक को निर्देश दिया कि जैसे ही उसे गैलीलियो की लालटेन का प्रकाश दिखे उसे अपनी लालटेन का कपाट खोल देना है। गैलीलियो को अपनी लालटेन के कपाट खोलने और सहायक की लालटेन का प्रकाश देखने के बीच का समय अंतराल मापना था। पहाड़ों के बीच की दूरी उन्हें पहले से मालूम कर ली थी। इस तरह उन्होंने प्रकाश की गति ज्ञात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इस प्रयोग से कोई सफलता नहीं मिली। इसलिए गैलीलियो ने अपने इस प्रयोग के निष्कर्ष को दोहराने का निश्चय किया। इस बार उन्होंने पहले से कहीं ज्यादा दूरी पर स्थित दो पहाड़ियों का चयन किया। उन्होंने फिर से उसी पुरानी लालटेन की प्रक्रिया को दोहराया। इस बार भी समय अंतराल पहले जितना आया। इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि प्रकाश की गति उनके सहायक की प्रतिक्रिया के समय से बहुत तेज है और प्रकाश की सही गति नापना उनके इस प्रयोग से संभव नहीं है। फिर सीधा 17वीं शताब्दी में आकर जोहान्स केपलर नाम के एक वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यदि प्रकाश की गति सीमित होती है तो चंद्र ग्रहण के दौरान सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा को अलाइनमेंट से बाहर होना चाहिए। चूंकि ऐसा नहीं हुआ, इसलिए वे अरस्तु के निष्कर्ष को सही मानते हुए अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते गए। और दूसरी तरफ रेने डेस्कार्टेस, जो कि एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे जिनके काम ने बीज गणित और दार्शनिकों दोनों पर गहरा प्रभाव डाला, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि प्रकाश की गति अनंत या तात्कालिक है और ये डेंसर माध्यमों से भी तेज होती है। डेनिश खगोल शास्त्री ओले रोमर ने गैलीलियो के लगभग 50 साल बाद प्रकाश की गति का पहला वास्तविक माप शुरू किया। 1676 में अपनी पेरिस वैद्यशाला में काम करते हुए उन्होंने बृहस्पति के चंद्रमाओं में से एक चंद्रमा टेन का अध्ययन शुरू किया। ये चंद्रमा नियमित रूप से बृहस्पति द्वारा ग्रहण किया जाता था क्योंकि इस विशाल ग्रह की परिक्रमा करता है। इस प्रकार के प्रयोग के लिए ये गति पूर्वानुमानित और उपयोगी है। जैसे जैसे उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन जारी रखा, उन्होंने पाया कि कई महीनों में ग्रहण अपेक्षा से अधिक पीछे होते जा रहे थे। उसी वर्ष सितंबर में उन्होंने एक सही भविष्यवाणी करते हुए 9 नवंबर को होने वाला एक ग्रहण लगभग 10 मिनट देर से होना चाहिए, और हुआ भी ऐसा, जिससे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
रोमन ने बताया कि अंतराल शायद इसलिए है क्योंकि पृथ्वी और बृहस्पति अलग अलग कक्षाओं में घूम रहे थे और जैसे जैसे वो ऐसा कर रहे थे उनके बीच की दूरी बदल रही थी, इसलिए चंद्रमा 10 से रिफ्लेक्ट होने वाले प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगना चाहिए था। और ये समय सबसे ज्यादा तब होता जब पृथ्वी और बृहस्पति अपने अधिकतम अलगाव पर होते हैं। उनके ऑब्जर्वेशन ने रोमर को ये निष्कर्ष निकालने का सक्षम बनाया कि प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 22 मिनट लगते हैं। रोमर का साहसिक अनुमान एक अच्छी शुरुआत थी, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा था। बाद में सर आइजैक न्यूटन ने भी अपने कुछ प्रयोगों के बाद पृथ्वीप्रिया में लिखा, क्योंकि अब यह बृहस्पति के उपग्रहों यानी चांद की घटनाओं से निश्चित है, जिसकी विभिन्न खगोलविदों की टिप्पणियों से पुष्टि की जाती है कि प्रकाश उत्तराधिकार में फैलता है। मुझे लगता है इसका मतलब सीमित गति से है और इसे सूर्य से यात्रा करके पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 7 या 8 मिनट की आवश्यकता होती है। रोमर और न्यूटन दोनों के अनुमानों में उनके द्वारा निकाले गए आंकड़ों में बहुत अंतर था। हालांकि आज हम जानते हैं कि एक बेहतर अनुमान है, लेकिन रोमर को प्रशंसा इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने बताया कि किसी भी चीज की गति मापने के लिए आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी जानने की आवश्यकता होती है। 1670 के दशक के दौरान मंगल ग्रह के पैरालॉक्स को मापने के लिए विभिन्न प्रयास किए गए। पैरालॉक्स इस बात का माप होते हैं कि दूर के तारों की पृष्ठभूमि के मुकाबले मंगल ग्रह कितनी दूर शिफ्ट हो गया है। ऐसा करने के लिए पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों से एक ऑब्जर्वेशन किए जाने की आवश्यकता होती है, जिससे एक बहुत ही सूक्ष्म बदलाव दिखाई देता है, जिसका उपयोग पृथ्वी से मंगल की दूरी मापने के लिए किया जाता है। इस माप के साथ खगोल शास्त्री सूर्य से पृथ्वी की सापेक्ष दूरी का अनुमान लगाते थे। फिर क्रिश्चियन ह्यून्स ने रोमर के अनुमान का उपयोग करके प्रकाश की एक नई गति प्राप्त करने के लिए इसे पृथ्वी के डायमीटर के अनुमान के साथ जोड़ दिया। ह्यून्स के काम के परिणाम स्वरूप प्रकाश की गति लगभग 2,11,68 किलोमीटर प्रति सेकंड थी, जो कि एक्चुअल स्पीड ऑफ लाइट 2,99,793 किलोमीटर प्रति सेकंड के वास्तविक मूल्य का लगभग 3/4 थी। दरअसल ये फर्क इसलिए था क्योंकि ह्यून्स प्रकाश को पृथ्वी की कक्षा को पार करने में लगभग 22 मिनट के समय को ध्यान में रखकर इस गति को माप रहे थे। फिर अल्बर्ट माइकलसन ने, जो कि कुछ समय के लिए यूएस नेवी में काम कर चुके थे, उन्होंने इस बारे में खोज शुरू की। समुद्र में बिताया गया उनका समय और इस बारे में उनका चिंतन कि कैसे एक बंद कमरे में सब कुछ स्थिर गति से चलते हुए वैसा ही दिखता है जैसा आराम के समय दिखता है, जो कि गैलीलियो के पहले निष्कर्षों की याद दिलाते थे। माइकलसन ने फोकॉल्ट मेथड को आजमाने का फैसला किया। उन्होंने आगे बढ़ने और दर्पणों और लेंसों के बीच की दूरी बढ़ाने का निर्णय लिया। उन्होंने फोकॉल्ट के 18 मीटर की बजाय दूरी को 610 मीटर तक बढ़ा दिया। वो प्रकाश किरणों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले दर्पणों का उपयोग करने लगे। उनके निष्कर्ष इतने अच्छे थे कि उन्होंने प्रकाश की गति, जो आज के मान से केवल 48.28 किलोमीटर प्रति सेकंड के अंतर पर है, उनके प्रयोग की सटीकता इतनी अच्छी थी कि वो अगले 40 वर्षों के लिए सबसे सटीक माप बन गया। फिर अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में अपने अभूतपूर्व काम ऑन द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडी से दुनिया को दिखाया कि वैक्यूम में प्रकाश की गति सभी फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में समान होती है। इतना ही नहीं बल्कि ये स्रोत या ऑब्जर्वर की स्पीड से पूरी तरह आजाद होती है। आइंस्टीन के काम ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया कि निर्वात में प्रकाश की गति स्थिर होती है। आप जितनी गति के करीब पहुंचते हैं वो अजीब चीज घटित होती है। इसमें समय का फैलाव या जितनी तेजी से आप यात्रा करते हैं समय का धीमा होना जैसे प्रभाव शामिल है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकाश की गति किसी द्रव्यमान वाले पिंड की गति से सबसे तेज हो सकती है। शायद भौतिकी में भविष्य के विकास इस धारणा को भी उलट देंगे, जिसके बारे में आप क्वांटम फिजिक्स में समझ सकते हैं। हालांकि बाद में आधुनिकीकरण के चलते हमें स्पीड ऑफ लाइट की आधुनिक मूल्य देने के लिए इंटरफेरोमीटर और कैविटी रेजोनेंस तकनीकों सहित आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया। हमारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त ऑफ स्पीड लाइट 29,97,92,458 मीटर पर सेकंड है। 1972 में बोल्ड कोलोराडो में अमेरिकी राष्ट्रीय मानक ब्यूरो द्वारा प्राप्त किया गया था, जो कि स्पीड ऑफ लाइट की सटीक वैल्यू है।